नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो। सो अगर आपने हमारे थंबनेल और टाइटल को देख के वीडियो चालू किया है तो वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मेरे सामने है द केमो वर्जन ऑफ द टाटा पंच, द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलर। अगर आप ये कलर देख पा रहे हो, ग्रीन सा कलर है। तो अगर आप मार्केट में ये गाड़ी लेने की अगर सोच रहे हो, और स्पेशली ये वाला अगर वेरिएंट लेने की सोच रहे हो, ये एडिशन, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा गाइस। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, पसंद आए तो उसे एक लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। लेट्स गेट गोइंग। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूं मैं। तो ये आपका टाटा पंच अकम्प्लिश केमो एडिशन जो है वो है। इसकी जो ऑन रोड पड़ती है वो कुछ पड़ती है 9,30,000 रुपए ऑन रोड कैलकटा में। और अगर इसका मैनुअल वेरिएंट लोगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसका मैनुअल वेरिएंट लोगे तो कुछ 8,60,000 या 70,000 पड़ती है। फिर भी मैं स्क्रीन में आपको ब्रेकअप दे दूंगा मैं। तो अगर आप आ रहे हो, ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आ जाओ लेक्सस मोटर कैलकटा में। अगर आप हो तो मिल लो विश्वजीत दास से, आप इनसे मिलोगे तो ये आपको गाड़ी भी जल्द से जल्द दिला देंगे और डिस्काउंट भी जरूर दिलवा ही देंगे। देखो इतने स्वीट है, इन्होंने थम्स अप भी दिखा दिया है। तो चलो गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर एनी टाइम, क्विकली वीडियो स्टार्ट करते हैं, देते हैं आपको इस गाड़ी का क्विक वॉक अराउंड एंड रिव्यू। सो लेट्स गेट गोइंग। तो आइए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। और देखिए, इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं, जस्ट दिस कलर एंड ये जो एडिशन जो है यही है। बट यू नो, अभी तो पास में इनकी एक कंपेटिटर भी खड़ी हुई, आपको दिखाता हूँ। देखो वहां पर एक मैं दिखाता हूँ आपको, वहां पे बगल में एक नेक्सॉन एक्स्टर भी खड़ी हुई है। बट हमारा प्यार तो यही है भैया, टाटा की पंच। यहाँ पर ब्यूटीफुल सी लुकिंग इसकी, यहाँ पर देखो इतनी अच्छी सी इसकी बड़ी सी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स जो है वो है। यहाँ पर इसके DRLs हैं, ये एक जो ट्राई एरो ग्रिल की यहाँ पर एक छोटी सी फिनिशिंग दी गई है वो है, टाटा की बैजिंग है। और यार इसका जो डैशबोर्ड, इसका ये जो बोनेट जो है ना, इस गाड़ी को एक बॉक्सी सा लुक देता है, जो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का डेफिनेटली एक SUV की तरह स्टैंड आउट जरूर करता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें गाइज, यहाँ पे इतने सारे देखो छोटे छोटे बच्चे भी सारे आए हुए हैं, मेरे को वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें गाइज, सो इट लुक्स गुड। ये केमो की बेजिंग जो दी गई है ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है यार। एंड टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर हमें ये जो है ये एलॉयज तो लग नहीं रहे। अच्छा देखो गाइज, ये एलॉयज के ऊपर ना इन्होंने ये एक व्हील कैप लगाया हुआ है। सामने हमें डिस्क ब्रेक मिल जा रही है और यहाँ पे 15 इंच के हमें चक्के भी देखने को मिल जा रहे हैं। इस साइड में रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं फॉर योर ड्राइवर टू एंटर। यहाँ पर आपकी जो है वो फैब्रिक पोल्स्ट्री है, बट उसमें आगे हम आएंगे, फिलहाल और भी आगे चलते हैं। सो डुअल टोन में मिल रहा है, ऊपर में वाइट है और ये केमो है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 लाख कार्स। वाओ, टाटा ने 50 लाख कार्स ऑलरेडी बेच दी हैं। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में गाइज, आपको ये साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है। क्लैडिंग की अगर बात करें, पूरी पीछे से लेके सामने तक बॉडी क्लैडिंग दी गई है। और अगर आप बात करते हो चक्के से लेके क्लैडिंग के बीच का जो स्पेस होता है, ये डेफिनेटली एक SUV जितना दिया गया है, विच इज अ गुड थिंग। बिकॉज एक्सटर्न में मैंने जो देखा कि एक हैचबैक सा ही मेरे को उसमें फील आई। चलो बैक प्रोफाइल पे आते हैं, आपको बैक प्रोफाइल दिखाते हैं। बैक प्रोफाइल में भी गाइज, दिस इज यू नो, दिस इज अ वेरी बॉक्सी, वेरी SUV-ish लुकिंग SUV। जो आपको यहाँ पर ही जो राइनो की जो आंखें होती हैं, उस तरह के आपको यहाँ पर टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो ऑब्वियसली हैलोजन है, LED नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। एंटीना जो है आपको जो रेगुलर सा आता है वही सामने को दिया गया है। यहाँ पर आपका रेयर कैमरा भी मेंशन यहाँ पे है। और ये रही आपकी बैक प्रोफाइल विथ सम रिफ्लेक्टर्स, सो दिस इज नाइस। लेट्स सी What's there in the boot? So, ये इसका boot space, एक partial tray दी गई है जो उतना strong नहीं लगा मुझे। Oh, probably if you apply the string, शायद थोड़ा सा उसमें strongness आएगा। काफी depth है इसके यहाँ पर boot में। यहाँ पे हमें puncture repair kit एक दी गई है, और in that case I believe कोई spare wheel तो होगा नहीं। But wait a second, इसमें spare wheel भी है जो 15 inch की आती है। Well, that's not bad. आइए इसको बंद करते हैं और क्विकली चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे। गाइज ये मेरे को अच्छा लगता है पंच में, इसका जो ये खोलने का जो सिस्टम है ये बड़ा मस्त है। एंड डोर भी काफ़ी हैवी सा है, 5 स्टार की रेटिंग अचीव करती है गाइज। इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। दो एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक बट डिसेंट स्टोरेज स्पेस। फैब्रिक की आपको अपोल्स्ट्री मिल जाती है। चलो चलते हैं और इसकी सीट कम्फर्ट को देखते हैं। सीट कम्फर्ट इज गुड गाइज,
टाटा इज नोन फॉर इट्स रेयर पैसेंजर की बहुत केयर करते हैं गाइस। सीट का रिक्लाइन इज डिसेंट, और भी अच्छा हो सकता था, बट सीट की कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। मिडिल आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं दिए गए हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स का यहाँ पर हमें सेटअप देखने को मिल जाता है, लेट मी शो यू, देयर यू गो। और सीट बेल्ट जो है वो दो ही दी गई हैं जो है पैसेंजर्स के लिए। फाइव सीटर कहते हैं बट आई बिलीव दिस इज अ जेन्युइन फोर सीटर। चलो आओ सामने चलते हैं। वन थिंग इफ आई मिस्ड, यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है, तो रेयर एसी वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई हैं। बेसिक से जो ग्रैब हैंडल्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड, बॉडी कलर्ड जो आपके हैंडल्स है वो मिल जाते हैं। ओआरवीएम की बात करें, इलेक्ट्रिकली मैन एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हैं विद द टर्न इंडिकेटर्स राइट हियर। चलो आप अंदर चलते हैं। डोर की अगर बात करें गाइस, भारी सा डोर हमें मिलता है। अगेन एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे ओआरवीएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों के चारों ऑटो पावर विंडोज हमें मिल जाते हैं। चाइल्ड लॉक का यहाँ पे हमें फंक्शन मिल जाता है, कुछ स्पेस ग्रैब हैंडल और कुछ और स्टोरेज स्पेस वहां पर। चलो आओ अंदर चलते हैं। अंदर जाने के पहले यहाँ पर मैन्युअली एडजस्टेबल आपकी हाइट और ड्राइवर सीट जो है 8-way एडजस्टेबल है। यहाँ पर हमें पुट स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इको मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड हेडलाइट का यहाँ पे भी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये सुनते हैं डोर थर्ड। डोर थर्ड इज ग्रेट गाइज, दिस कार tell you this car is value for money. Hi. So सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो ये रहा आपकी स्टीयरिंग जो लेदर रैप नहीं है बट ग्रिप काफी सॉलिड है गाइस। इसमें हमें इंफोटेनमेंट के सिस्टम्स यहाँ पे, यहाँ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। एक सेमी डिजिटल जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमें देखने को मिल जाता है, विच गिव्स यू बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे हमें हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, which I believe is a 5 or 6 inch. I'll mention it at the bottom of my screen as well. यहाँ पर आपको AC के controls मिल जाते हैं, climate control AC है। यहाँ पर हमें एक USB का port मिल जाता है, yeah, and एक 12 watt socket भी हमें देखने को मिल जाता है। This is an automatic gear shifter, so this is your gear lever. Central console की बात करें तो यहाँ पे हमें handbrake देखने को मिल जाता है, कुछ एक छोटी सी स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। स्मार्ट की के लिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज यूनिक, तो ये मेरे को अच्छा लगा गाइज। और यहाँ पर ट्विन कप होल्डर्स, बट छोटे छोटे हैं तो दैट्स नॉट रियली बैड। स्टीयरिंग की बात करें तो गाइज इट इज हाइट एडजस्टेबल, ऑब्वियसली नॉट रीच, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट। एसी के वेंट्स यार डिसेंट है, सुंदर से हैं, इट्स वेरी नाइस लुकिंग। ट्राई एरो का यहाँ पर थोड़ा सा यू नो फिनिशिंग सी दी गई है टेक्सचर के साथ में, बट एवरीथिंग एल्स इज हार्ड प्लास्टिक विच आई डोंट कंप्लेन। मैनुअली एडजस्टेबल IRVMs, यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, आपके यहाँ पे टिकट होल्डर है, यहाँ वैनिटी मिरर है, ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। प्लस सा इंटीरियर है गाइज विथ यू नो मोस्टली ब्लैक का यूज किया गया है इसमें, बिकॉज अगेन of this edition which is camo. Glove box की बात करें, decent सा space मिलता है, but I don't think it is cooled, or is it? यहाँ पे कुछ एक बनाया तो है, but मेरे को cool लग नहीं रही है। That's about it, guys. I mean, आप हमें comment section में बताओ कि आपको हमारी videos कैसी लग रही हैं। You know, we are reaching 1,000 subscribers. In fact, by the time this video comes out, हो सकता है हमारे 1,000 subscribers पूरे हो भी जाएं. So I just want to thank you. I mean, I can't thank you enough. Just keep showering your love, giving your support like this only. And I will see you very soon in my next video. Please comment me, batao aapko ye video kaisi lagi, achhi lagi hai to use please like kar dena. Again, don't forget to subscribe the channel and hit the notification bell. I'm going to see you in my next video very, very soon. Till then, take care. God bless. I love you all. Mwah.